नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, जिस तरीके से वाराणसी के एक होटल में भोजपुरी इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री यानी कि आकांक्षा दुबे ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी, उसके बाद उनकी मां यानी कि मधु दुबे ने आरोप लगाया था समर सिंह पर और उनके तथाकथित भाई हैं संजय सिंह, दोनों लोगों पर FIR और आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। लेकिन अब क्या अपडेट है, समर सिंह कितने दिन में छूट जाएंगे, कितने दिन में जेल से बाहर समर सिंह होंगे, इसकी पूरी जानकारी तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दी, भोजपुरी इंडस्ट्री के मशहूर और काफी पॉपुलर एक्टर हैं, रॉकी स्टार के नाम से मशहूर रवि यादव, उनके एक फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, आग और सुहाग जोड़े की JIFC म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उस फिल्म के ट्रेलर को जरूर देखिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। दरअसल बात करें तो आपको पता ही होगा कि समर सिंह जो है वो पुलिस रिमांड पर थे और पुलिस रिमांड के बाद आपको पता ही होगा कि किस तरीके से एक एक रात जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस रिमांड पर उगलवाती नजर आती है। तो इस मामले को लेकर क्या अपडेट है, सारी जानकारी मैं बताता हूं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें तो भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे को खुदकुशी के लिए प्रेरित करने के मामले में आरोपित गायक समर सिंह को सोमवार की शाम 5 बजे के पूर्व कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया गया है। आरोपित समर सिंह की 13 अप्रैल की सुबह 10 बजे से 17 अप्रैल के शाम 5 बजे तक कस्टडी रिमांड मिली हुई थी। खुशखुशी के लिए उकसाने का आरोप भी है। इस दौरान उनसे पूछताछ में आकांक्षा से संबंध, उसके नजदीकी काम को लेकर, रिश्ते आदि के बारे में ठोस जानकारी मिली है। साथ ही समर सिंह का मोबाइल भी बरामद किया गया है। बता दें कि आकांक्षा दुबे ने सारनाथ के होटल में 25 मार्च की रात खुदकुशी कर ली थी और इससे पहले वो इंस्टाग्राम पर लाइव हुई थी। मां मधु दुबे की तहरीर पर समर सिंह और संजय सिंह पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप में केस भी दर्ज है। कस्टडी रिमांड में पुलिस की पूछताछ में समर सिंह ने बताया कि बीते 25 मार्च को वो गोरखपुर में थे, 26 मार्च की शाम मुंबई में उनका शो था, इसके लिए वह सुबह गोरखपुर से वाराणसी भी आए थे और उसी दौरान उन्हें आकांक्षा की खुदकुशी की खबर मिली और इसके बाद वह मुंबई नहीं गए और सड़क मार्ग से लखनऊ चले गए। इसके बाद वह सड़क मार्ग से ही गाजियाबाद चले गए, फिर गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा और देहरादून के ठिकाने बदल बदल कर रहते थे। 6 अप्रैल की आधी रात पुलिस ने उन्हें गाजियाबाद से गिरफ्तार भी किया था। समर सिंह का मोबाइल लखनऊ के गोमती नगर विस्तारा स्थित अपार्टमेंट में पार्किंग में खड़ी उसकी SUV में पुलिस ने बरामद किया है। कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स के अनुसार 25 मार्च की रात लगभग 2:15 बजे के समर को आकांक्षा दो बार कॉल भी की थी। समर ने पुलिस को बताया कि दोनों ही बार आकांक्षा की साफ आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए वो कॉल काट दी। और माना यह जा रहा है कि जिस तरीके का पुलिस न्यायिक हिरासत में समर सिंह को भेजा गया था उसमें से कोई ऐसा ठोस कदम नहीं मिला है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर उकसाने के मामले को लेकर कि समर सिंह जो है इस मामले में आरोपित हों। तो अब खबर यह है कि आरोपित अगर नहीं है तो ये मामला फिर कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में सुनवाई होगी और पुलिस ठोस कदम जो है वो समर सिंह के खिलाफ एविडेंस के तौर पर नहीं पेश करती है तो फिर जमानत पर समर सिंह बाहर हो जाएंगे। तो एक बड़ा अपडेट था इस चीज को लेकर, मुझे अगर बताना चाहिए तो इस पर अपडेट कमेंट बॉक्स में।